अस्सलाम वालेकुम परदेसी भाई, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो कि यहाँ पे सऊदी अरबिया में रहते हैं और काम करते हैं। और उनका एक सवाल होता है कि भाई जो मेरा पासपोर्ट है वो एक्सपायर हो चुका, मैंने नया पासपोर्ट बनाया है, तो मैं नकल मालूमात यानी कि जो पासपोर्ट अपडेट होता है वो किस तरीके से कर सकता हूँ, क्या तरीक़ेकार होगा, वो फ्री में होता है या उसका पैसा लगता है, वो पासपोर्ट का जो अपडेट होता है वो किस तरीके से करना है, मैं करूँगा, कंपनी करेगा या कफ़ील करेगा, और अगर कंपनी कफ़ील नहीं करता तो किस तरीके से आप करवा सकते हैं खुद से भी। तो इस वीडियो में आपको हर एक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि आप अपना पासपोर्ट का नकल मालूमात किस तरीके से करवा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा ए टू जेड देखें ताकि आने वाले टाइम में अगर आपको अपना पासपोर्ट का नकल मालूमात करवाना हो तो ईजी वे में आप अपना करवा सकते हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पर वीडियो के स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक देकर के नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक जरूर करें ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुँच सके, क्योंकि इस चैनल पर इस तरह का टेक्निकल वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करता रहता हूँ। और अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें ताकि सऊदी से जुड़ी हर तरह की मालूम वीडियो आप तक मिलती रहे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग बात समझते हैं ये कि आखिर पासपोर्ट नकल मालूमात होता क्या है, ये किस तरीके से होता है और ये करवाना क्यों ज़रूरी होता है। तो देखिए पासपोर्ट नकल मालूमात क्या कहते हैं, देखिए पासपोर्ट नकल मालूमात ये होता है कि जिस टाइम आप अपना पासपोर्ट आपका होता है तो उसका पासपोर्ट का एक एक्सपायरी डेट होता है, जब आपका पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला होता है तो आप फिर नया पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हैं सऊदी अरबिया में रहते हुए, फिर वो पासपोर्ट आपका बन के आता है। अब क्या होता है कि जो पुराना पासपोर्ट नंबर होता है और जो आपका नया पासपोर्ट बन के आता है तो उसमें आपका जो है पासपोर्ट नंबर जो होता है वो चेंज होता है, तो उसको क्या करते हैं कि उसको अपडेट कराना पड़ता है अफसर पे। अब ये देखिए अफसर पे अपडेट कराने को ही नकल मालूमात कहते हैं। तो ये बात आपका क्लियर हो गया कि नकल मालूमात क्या है और अपडेट क्या है, दोनों एक ही चीज़ है, बस नाम डिफरेंट है, ठीक है। उसके बाद ये बात हो गया कि इसको अपडेट कराना क्यों ज़रूरी होता है। देखिए जब अगर आपका पुराना पासपोर्ट होगा और आपका नया पासपोर्ट बन के आता है तो उसको अपडेट कराना ज़रूरी क्यों होता है, क्योंकि अगर आप अपना पासपोर्ट को अपडेट नहीं कराएंगे तो होगा क्या कि अगर आपका अफसर पे पुराना पासपोर्ट का नंबर शो करेगा और आपके पास जो है नया पासपोर्ट है उसका नया आपका पासपोर्ट नंबर है तो ठीक है, तो ये भी बात हो गया। उसके बाद अगर आपका छुट्टी जाना हो या फाइनल एग्ज़िट जाना हो तो जब आपका छुट्टी या फाइनल एग्ज़िट का वीज़ा निकलेगा तो उस पर क्या होगा कि आपका पुराना पासपोर्ट का नंबर ही रहेगा और आपके पास जो है नया पासपोर्ट है और पुराना पासपोर्ट आपका एक्सपायर हो चुका है, यानी कि पुराने पासपोर्ट पर आप जो है ट्रैवल नहीं कर सकते और नया पासपोर्ट का नंबर जो है आपके वीज़ा पर नहीं आएगा, पुराना पासपोर्ट का ही नंबर आएगा अगर आप नकल मालूमात नहीं करवाते हैं तो। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर आप ट्रैवलिंग करने के लिए जाएंगे तो आपको बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, तो इसीलिए जो है नकल मालूमात कराना ज़रूरी होता है, उसको अपडेट कराना ज़रूरी होता है अफसर पे, ताकि आपका जो पुराना पासपोर्ट का नंबर है वो हट करके नया पासपोर्ट का नंबर उसमें ऐड हो जाए। तो ये समझ गए कि क्यों कराना ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि कराना किस तरीके से। तो देखिए जो लोग भी कंपनी या कफ़ील में काम करते हैं, कफ़ील के पास काम करते हैं, तो उनका जो नकल मालूमात होता है यानी कि पासपोर्ट अपडेट जो होता है अफसर पे, वो कफ़ील या कंपनी ही आपका करवाता है, क्योंकि उनके पास पोर्टल होता है, मुकीम होता है, बहुत सारा वेबसाइट होता है, उनका एक्सेस उन्हीं के पास होता है, तो वो ही आपका करवा सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, एक रुपये भी आपका नहीं लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी समझ गए कि वही लोग करवाएंगे कि फ्री में होता है। अब यहाँ पे बात आता है उन लोगों के लिए कि जिनके पीछे जो है कफ़ील या कंपनी नहीं है, या फिर जो आज़ाद वीज़े पे काम कर रहे हैं, या फिर कंपनी कफ़ील उनका पासपोर्ट अपडेट नहीं करवा रहा, या फिर किसी कंडीशन में उनको अर्जेंट जाना है कहीं पर, अपने मुल्क जाना है और उनका पासपोर्ट बन के आया, उनको नकल मालूमात कंपनी कफ़ील नहीं करके दे रहा, तो वो खुद से भी कर सकते हैं, उसका तरीका जो है बहुत ईजी है। देखिए आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आपका जो पासपोर्ट बन के आया है, पुराना पासपोर्ट और नया पासपोर्ट दोनों आपको अपने पास रखना है और सिंपली चले जाना है कहाँ, जवजात के ऑफिस के पास। देखिए जवजात के ऑफिस के बाहर बहुत छोटे छोटे जो इदारे होते हैं, जैसे कि मैंने एक बंदे का करवाया था, तो वहाँ पर छोटे छोटे इदारे होते हैं, छोटा छोटा ऑफिस होता है, वहाँ पर आप जाएँ, वहाँ पर जा करके आपको सिंपली जो बंगाली होते हैं, हिंदी बोलने वाले होते हैं, चाहे इंग्लिश बोलने वाले होते हैं, उनके पास जा करके सिंपली कहें कि मेरा पासपोर्ट पुराना ये है, नया ये है और मुझे जो है नकल मालूमात करवाना है अपने पासपोर्ट का। तो देखिए वहाँ पे क्या होगा कि वो आपसे कुछ अमाउंट लेंगे, हो सकता है 100, 150, 200 रियाल लें आपसे,
और वो आपका पुराना पासपोर्ट और नया पासपोर्ट दोनों ही लेंगे और वहाँ जाएंगे अपना जबजात में, क्योंकि उनका बहुत सारा लिंकअप होता है, एजेंट वगैरह होता है, तो उससे वो तुरंत वो काम करवा लेते हैं। जो काम आपको करने में 7 दिन लग सकता है, वो काम वो मिनटों में चुटकी बजा के कर लेते हैं। तो मैंने जिस बंदे का करवाया था तो उनका जो है 1 घंटे में ही हो गया था माशाल्लाह से। तो इस तरीके से आपको वहाँ पे जाना है, आप अपना रेट फिक्स कर लें, जो आप अपना बार्गेनिंग करके जो भी आपके बीच में उन दोनों के बीच में जो भी रेट अमाउंट तय होता है उसको आप उसको दे दें, पे कर दें। और वो क्या करेगा, आपका दोनों पासपोर्ट लेकर के जाएगा जब जात के अंदर में, अपना जो है आपका पासपोर्ट अपडेट करवा करके लेके चलाएगा। तो 1 घंटे से 2 घंटे के अंदर अंदर में जो है आपका नकल मालूमात वो करवा करके आपका पासपोर्ट ला करके आपको दे देगा। तो ये बहुत आसान तरीका है उन लोगों के लिए जो कि जिनके पीछे कोई कफील या कंपनी नहीं है, या फिर जिनको अर्जेंट में जाना है और उनको अपना पासपोर्ट का नकल मालूमात करवाना है। तो वो इस तरीके से बड़ी आसानी से 1 घंटे के अंदर अंदर में अपना पासपोर्ट का नकल मालूमात करवा सकते हैं। कुछ पैसा तो लगता है लेकिन आपका नकल मालूमात 1 घंटे के अंदर अंदर में ही हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये मैंने पूरा एक वीडियो आपको बना करके बता दिया कि किस तरीके से आपको नकल मालूमात करवाना है और नकल मालूमात करवाना क्यों ज़रूरी है और नकल मालूमात होता कैसे है, उसका फ़ीस क्या है और फ्री में होता है या पैसा लगता है। मैंने आपको इस वीडियो में हर एक तरीका, हर एक टॉपिक, हर एक पॉइंट, हर एक डाउट आपका क्लियर कर दिया, ताकि आने वाले टाइम में जिन लोगों को अपना पासपोर्ट का नकल मालूमात करवाना हो वो इस तरीके से बड़ी आसानी से करवा सकते हैं। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है पासपोर्ट नकल मालूमात करवाने से रिलेटेड, तो आप मेरे वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उस पर भी आपको जवाब दे दूंगा और आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से आप अपना पासपोर्ट का नकल मालूमात करवा सकते हैं। तो ये वीडियो मैंने स्पेशली उन लोगों के लिए बनाया जिनको अपना पासपोर्ट का नकल मालूमात करवाना हो, वो इस तरीके से करवा सकते हैं। तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके नोटिफिकेशन बेल आइकन कॉल पे क्लिक जरूर कर लें, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच सके, क्योंकि इस चैनल पे इस तरह का टेक्निकल वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।